अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल। आज शहर कोलार डॉक्टर मुस्तफ़ा के शोरूम में उमायदीन शहर, उलमाए किराम और नौजवानों मिल्लत मिलकर एक इजलास रखा गया था, जो नौजवानों के अंदर दिन ब दिन जो बढ़ते हुए अखलाकियात और आदात, जो नशे को लेकर आज जो समाज में बिगड़ते हुए हालात पैदा हो रहे हैं, हर 10 में से 4 या 5 बच्चे नशे की आदि बनते जा रहे हैं हर समाज में, हर तबके में, हर गांव में, हर खरिये में। इस फिक्र को लेकर ख़ासकर जो हमारे जो मुस्लिम तबके के जो बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, इस फिक्र को लेकर आज नशा मुक्त नौजवानों के नाम से एक इजलास रखा गया था। तो आप देख सकते हैं आपके अपने इस कोलार ट्रू न्यूज़ चैनल के ज़रिए इस इजलास की निज़ामत कोलार एक्स CMC प्रेसिडेंट अफरोज पाशा और हमदर्द और मेज़बान डॉक्टर मुस्तफ़ा और दीगर कई नौजवानों जैसे कि मुस्तफ़ा, अफरोज पाशा, हरी टोपी महुद्दीन, नाजर अली, अयूब, रिजवान और दीगर कई नौजवानों ने मिलकर वहां पर अलग अलग अपने अपने अंदाज से मशवरे दिए गए कि इन बिगड़ते हुए हालात को नौजवान जो बिगड़ते हुए गलत रास्ता अपना रहे हैं उसको हम कैसे सुधारें, किस तरह से सुधारें। तो अलग अलग मशवरे दिए गए वहाँ पर, तो आपको हम दिखा रहे हैं आपके अपने स्कॉलर ट्रू न्यूज़ चैनल के जरिए। एक मतलब आदमी के इंजन से आना हुआ, 1:30 बजे वहां गए तो 3 बच्चे वहां बैठे थे अंदर, सिगरेट हाथों में, सर छोटे छोटे बच्चे। तो जो इन चीजों के ऊपर हमें मेहनत करा, अल्हम्दुलिल्लाह इसका फायदा हुआ, हमारा कोई नहीं बैठा था। पहली बात है जो बैठते थे उनके वालिदैन उनको कहे, दूसरा क्या करे कि मेन इनका वक्त जो है 9 से 10 से 11 बजे ये वक्त जो है इनको मदरसे से जोड़े, बालिगान तालीम में बालिगान पूरे शहीनशाह में, शायद मैं समझता हूँ कि मस्जिदों के अंदर तालीम बालिगानों का इंतजाम नहीं है। तालीम बालिगानों का इंतजाम हर मस्जिद वाले शुरू करो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मस्जिद में तकरीबन 25 से 28 नौजवान ईशा के बाद 9 से 10 तक वक्त देते हैं। इन सबको पकड़ पकड़ कर मदरसे को लेकर अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ें छोड़कर बच्चे जो है इधर तरफ आए। दो चीजों पर ध्यान देना है, एक वालिदैन को तवज्जो दिलाना है कि आपका बच्चा नहीं आ रहा है तो पूछो क्यों नहीं आ रहा है, कहाँ है, 9 हो गए 10 हो गए आपका बच्चा घर को नहीं आया, फिर तीन फिगर अपने बच्चों की नहीं तो फिर वालिदैन को फायदा नहीं है। दूसरी बात, बच्चों को बड़े हुए नौजवान के बालिगान तालीम बालिगान का इंतजाम करो, उनको मस्जिद से जोड़ो, मदरसे से जोड़ो। कहीं मस्जिद का इंतजाम नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंतजाम है, आप ईशा के बाद एक मतलब आकर देख सकते हैं मदीना मस्जिद में। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े नौजवान और बड़े साथी आकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाकी तालीम हासिल कर 1 घंटा पूरा मस्जिद वास्ते दे दें। अब उसके अंदर हम कुछ बातें बातें भी जो है, और चंद बच्चे ऐसे मिले आप बोले मैं टैबलेट से ये फुलाम 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 रखो, आप लोगों को मालूम है या नहीं मुझे मालूम है। एक नौजवान मुझे बोले कि स्टेशनरी में व्हाइटनर जो मिलता, व्हाइटनर जो यूज इसके वास्ते यूज करते हैं, वो व्हाइटनर से नशा लेते, व्हाइटनर को नशे के वास्ते इस्तेमाल करते। एक नौजवान मुझे बोलता है कि याद नहीं मिला तो हजरत घर में बच्ची का बीमारी किसका था, व्हाइटनर था तो उसमें नशा लेते हैं, व्हाइटनर के अंदर नशा ले। और बहुत ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह उधर तरफ ये बहुत कम हुआ है, अल्लाह का एहसान है मदीना मस्जिद के पास, वरना तो ईशा की नमाज होगी तो पूरे दुकानों का पूरा उनके पास बार बार जाना, वो लोग अल्लाह के क्या करके बोलते हैं, हम इसे इसकी तरफ तवज्जो नहीं दिया। एक ग्रेजुएट तबका बैठना शुरू हुआ, पूरे इंजीनियर्स पढ़े लिखे सबके हाथों में वही यमन खुलने को बैठना, तो उनको क्या समझा कि दुकान नहीं हुई ये मस्जिद का इलाका है, तुम्हें यहाँ बैठ तो काम करे तो मस्जिद में करे नहीं, जरा अच्छी मोहब्बत के अंदाज में उनको समझाने में अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ गए। अब इस तरह जो तरीके अपनाए थे इंशाल्लाह बहुत फायदा होता है। एक उनके वालिदैन से बात करो तो उनकी तरफ तवज्जो, दूसरा बच्चों को तालीम, नौजवानों को तालीम वाले बन से जुड़ना है। एक
तो इसके ऊपर तवज्जो दीजिए इंशाल्लाह। मस्जिद के जिम्मेदार अपनी अपनी मस्जिद में शुरू करा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे हजरत आइमा इकराम ने उलमा इकराम ने उनको जिम्मेदारी देकर अपने मोहल्ले में 10-15 बच्चे जमा हो गए कि हजरत इंशाल्लाह आपकी मस्जिद में शुरू ये काम शुरू हो गया तो इंशाल्लाह बहुत इसका फायदा है। लेकिन क्या है हमारे मस्जिद के जो इंतजामिया कमी हुई उनको भी मस्जिद के इंतजामिया कमी के अंदर कोई इसकी वजह कही है खुद मुमकिन लोगों से दवा भी करेंगे अल्लाह को उसके दिल के अंदर भी नहीं बस मंदिर के सिरे पर बन गए आला के अंदर के हमारे मोहल्ले में मेरा बच्चा इस धामी पर जा रहा है कि हमारी कौम कहाँ जा रही है इसके ताल्लुक से कोई करे सोचने की कोई चीज नहीं बस गप सलाफ हुए वक्त खड़ाए हुए बस हो गया इमाम साहब को खतरा दे दिया इमाम साहब को भी कोई मतलब नहीं और कहते हैं लेकिन अगर मस्जिद के अराकीन इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो हम अपने मोहल्ले के बच्चों को तालीम बालगान का इंतजाम करेंगे और ऐसे बच्चे जो चौराहे पे हर के बाद अपने रब को जाया करते हैं मोबाइल को लेकर मोबाइल को हिसाब ना करवाना बताना अगर फिक्र रही तो ये चीज़ें आज का आज तक खत्म हो सकती है बस इसी बात की जरूरत है हमको यह फिक्र करनी चाहिए मेरा बच्चा किस थाने पर जा रहा है मेरी उम्र कहाँ जा रही है यहाँ का माहौल क्या है फलस्तीन का मामला देखिए बहुत सारे मामला हमारे नजरों के सामने है हिंदुस्तान के जो बहुत सारे शहरों का जो मामला देखें हमारे नजरों के सामने है लेकिन इसके बावजूद भी हमें जो है इज्जत हासिल नहीं होता अल्लाह तबारक की बात हम दुआ है अल्लाह तबारक